और आप लोगों से एक्सपेक्टेड है कि अभी जो भी आपको शीट दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा शीट आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अगर अभी तक नहीं किया है तो पूरा का पूरा शीट जो है आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आज हम लोग बिल्कुल नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे और उस नए टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। सो पुट द हेडिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेडिंग पुट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। चलिए आई विल शेयर द स्क्रीन, स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। अब जो लेट ज्वाइन करेगा उसको होगा प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए यू ऑल आर एबल टू सी द स्क्रीन नाउ, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस ओके। तो देखिए हम लोग बहुत ही बेसिक बातों से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ओके ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम लोग बिल्कुल वेट नहीं करेंगे बाकी स्टूडेंट्स का, हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, पहले तो हमें उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज वो सब सारी की सारी चीजें फ्रीक्वेंटली यूज होंगी, तो दैट नॉलेज यू शुड बी हैविंग, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है इसके ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। तो 10th स्टैंडर्ड का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपसे एक्सपेक्टेड है कि वो चीज आपको आना चाहिए, ठीक है। सो स्टार्टिंग के मैं 5 to 10 मिनट्स में आपने जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है पहले हम उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट इन द 11th स्टैंडर्ड उसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है एक बार बता दीजिए, बिकॉज एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो फिर बिल्कुल चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। और अगर किसी ने ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं कंप्लीट किया है तो प्लीज कंप्लीट द ट्रिग्नोमेट्री पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया है, बस अब आपको करने क्वेश्चंस, तो आपको जो शीट दिया है उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और एट द सेम टाइम आप एनसीईआरटी में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे अभी आपसे हो जाएंगे, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग इट साइमल्टेनियसली, मैंने आपको बोला जो जो टॉपिक आपका होते जाए उसको करते चलिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग इट, मी करके रिस्पॉन्ड करिए, जो कर रहे हैं कुछ कुछ पार्ट बचा हुआ है मी करके रिस्पॉन्ड करें, जिन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया एनसीईआरटी पूरा मतलब ट्रिग्नोमेट्री का, वो डन करके रिप्लाई करें, वो डन करके रिप्लाई करें। एनीवन हु हैज कंप्लीटेड, साक्षी डोंगरे हैज कंप्लीटेड, ओके वेरी गुड, एनसीईआरटी का डन, ठीक है। अब एनसीईआरटी का कर लिया, अब सीट के क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, बिकॉज आपको बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है किसी भी एग्जाम में, ये चीज मान लीजिए आप, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा आपका ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो चलिए देखिए अब ये बातें इम्पोर्टेंट है उसको आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा, इसलिए इतना स्ट्रेस देके बोल रहा हूँ। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन जो ने जो 10th स्टैंडर्ड पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था, देखिए सबसे पहले हमने 10th स्टैंडर्ड में है ना हमने डिस्टेंस फॉर्मूले की बात की थी, इसकी बात की थी डिस्टेंस फॉर्मूले की, काफी फ्रीक्वेंटली यूज होगा, तो सभी लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लिख के बताइए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, तो 10th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट करते हैं, सभी लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लिख के बताइए। अगर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपके पास x1, y1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपके पास x2, y2, तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ ए बी, आप क्या लिखते हो, द डिस्टेंस ऑफ ए बी विल बी x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्लियर है।
दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी एंड देयर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू बी एक्स वन वाई वन एंड हाँ जी ए बी स्क्वायर है वो, ठीक है ओके बिल्कुल सही। ठीक है ये आपने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, पहली चीज पढ़ी थी। अच्छा दूसरा आपने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला, क्या पढ़ा था भाई सेक्शन फॉर्मूला है ना, अगर आपको याद हो तो फटाफट लिख के बताओ सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है। अगर मान लेते हैं आपके पॉइंट पास पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन, अगर पॉइंट है बी इसका कोऑर्डिनेट एक्स टू कॉमा वाई टू, और कोई पॉइंट है कहीं पे पी जो इस पर्टिकुलर लाइन ए बी को एन इस टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जो हम पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट निकालते हैं लेट से द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बी एक्स कॉमा वाई, तो हम जो पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं वही क्या होगा, वही क्या होगा वही आपका सेक्शन फॉर्मूला देगा। ठीक है तो हम क्या कर रहे थे एम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो अपने बीते हुए दिन एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन अपॉन हो जाएगा एम प्लस एन, ठीक है जी, और क्या हो जाएगा एम इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन अपॉन क्या हो जाएगा भाई एम प्लस एन, ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई का कोऑर्डिनेट, ठीक है P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो भी क्या है x कॉमा y। आई होप इतनी सी बात क्लियर है। इसी में हमने एक चीज पढ़ा था कि डिस्टेंट मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर रेशियो m is to n क्या हो जाए 1 is to 1 हो जाए, ठीक है ना स्पेशल केस, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2, this will be your coordinate of point p if p is मिड पॉइंट ऑफ ए बी है ना, तो ये हमें डायरेक्टली यूज करना है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है आई होप क्लियर है। तो ये सब कुछ बातें जो आपने सेक्शन फॉर्मूले में पढ़ा था ये बातें आपको बिल्कुल मैंने बता दिया ताकि ये कहीं जरूरत पड़े तो आप इसको रिवाइज कर पाए। ठीक है अभी यार 11th स्टैंडर्ड में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है उसको भी लिख ही लीजिए, वैसे उसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है आगे रजा के है लेकिन लिख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है कोई बता सकता है क्या होता है, हाफ तो होगा ही, ठीक है इस तरीके से सीक्वेंस चलता है एक्स वन है ना वन टू थ्री का सीक्वेंस चलेगा वन टू थ्री, अगर ये एक्स वन होगा तो ये होगा वाई टू माइनस वाई थ्री, मैंने याद भी आपको करवा रखा है मैंने, प्लस अगर ये एक्स टू होगा, अगर ये x2 होगा तो y3 थ्री माइनस वाई वन होगा, क्या होगा y3 थ्री माइनस वाई वन, साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हैं, और अगर ये x3 होगा तो क्या होगा y1 वन माइनस वाई टू, और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है तो जो भी वैल्यू आता है उसका हम क्या लगा देते हैं मॉड लगा देते हैं, मॉड मतलब हमेशा क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप इतनी सी बात क्लियर है सभी को, एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमने पढ़ा था। ठीक है बाकी कोलिनियरिटी भी पढ़ा था कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द थ्री पॉइंट विल बी जीरो then the points are collinear। अब हम बात करते हैं 11th standard की, ये थोड़ा सा आपका पीछे का background clear हो गया, तो अब हम पढ़ना start करते हैं 11th standard, ठीक है? So are you ready to enter into the 11th standard? थोड़ा सा एक revision करा दिया ताकि आप topic को connect कर पाएं, ठीक है? Excitement नहीं है यार तुम लोगों में? Are you ready to enter into the 11th standard? No excitement. एक्साइटमेंट नहीं है? अरे भैया बिना एक्साइटमेंट के लाइफ में कुछ नहीं होता है, ठीक है अपने अंदर जोश तो लाना पड़ेगा, नहीं तो जरे सर जो चल रहा है ठीक ही है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, जो नहीं होगा वो भी ठीक ही होगा। आदेश इज योर फर्स्ट क्लास, आदेश इज योर इट्स योर फर्स्ट क्लास, तो आपके लिए अगर ये फर्स्ट क्लास है तो इट्स वेरी गुड फॉर यू बिकॉज बिल्कुल हम लोग बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं, ठीक है आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी है ना, बिकॉज ये आपका कैसा फर्स्ट क्लास है इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और दूसरी बात कि अभी पीछे के जो टॉपिक्स हो गए हैं ठीक है
उसका आज सर मेरा भी फर्स्ट क्लास है। गायत्री कदम इज ऑल्सो देयर। ओके गायत्री, वेलकम गायत्री एंड आदेश टू दिस बैच। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, ठीक है, अभी एक तो प्लान ये है कि आप लोग का जो जिनका पीछे का कुछ छूट गया ना, तो अनुपम सर इज गोइंग टू गाइड यू। ठीक है, तो वो क्लास भी प्लान कर रहे हैं अपन कि जिनका पीछे का कुछ छूट गया, ताकि आप लोग जो है करेंट टॉपिक के साथ पीछे की चीजों को भी रिवाइज कर पाओ। तो आई थिंक मोहित सर हैज पुट द मैसेज आल्सो, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा टाइमिंग एंड ऑल उसका क्या डिटेल रहेगा। ठीक है, एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम लोग अभी गूगल क्लासरूम का यूज करने वाले हैं। ठीक है, गूगल क्लासरूम के बारे में कितने लोगों को पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट गूगल क्लासरूम? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट गूगल क्लासरूम? पता है भैया गूगल क्लासरूम के बारे में? ठीक है ना, गूगल क्लासरूम एक ऐप है, ठीक है ना, जिसके हेल्प से जो क्या है कि आप जो होमवर्क पोस्ट करोगे उसको मैं हम भी देख सकते, हम लोग भी देख सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी देख सकते हैं। तो ये क्या है, बोथ वेज कम्युनिकेशन का एक अच्छा साधन है। ठीक है, तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी पोस्टिंग द होमवर्क ऑन गूगल ओके, पता है सब लोगों। ठीक है, गूगल क्लासरूम पे होमवर्क पोस्ट किया करूंगा, वहां से आप लोग कर सकते हो होमवर्क। ठीक है, चलिए, तो 11th स्टैंडर्ड में देखो सबसे पहला जो हमें चीज पढ़ना है, इसमें पढ़ना है लाइंस के बारे में, है ना, और लाइंस के बारे में, और लाइंस के बारे में पढ़ने का मतलब हमें पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ लाइंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? देखो यार, बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, और ये मैक्सिमम लेवल तक जाएगा, बिल्कुल जीरो से हीरो तक। तो इक्वेशंस ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ना है, लाइन के बारे में पढ़ना है। लाइन जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे ये कोई भी हमने एक लाइन बना दिया, ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशंस होता है, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, ये एक लाइन का इक्वेशन है। तो हम लाइन का इक्वेशन किस तरीके से निकाल सकते हैं वो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन लाइन के इक्वेशंस को पढ़ने के पहले हमें कुछ बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, और वो सबसे पहले है स्लोप, है ना, वो सबसे पहले क्या है, स्लोप। अच्छा, कोई बता सकता है व्हाट डू मीन बाय स्लोप ऑफ अ लाइन? स्लोप क्या होता है? स्लोप किसी को पता है स्लोप क्या होता है? जैसे देखिए आपका ये जो स्लोप की अगर मैं बात करूं, जैसे समझिएगा, है ना, ये सबसे बेसिक है, लाइन अगर पढ़ रहे हो तो ये सबसे बेसिक है। जैसे ये आपका लाइन है, ठीक है ना, तो ये लाइन जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो लाइन है ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले स्लोप को समझने के पहले इंक्लिनेशन समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय इंक्लिनेशन? इंक्लिनेशन कौन सा एंगल होता है? इंक्लिनेशन वो एंगल होता है जो कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल कि सर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के कहने का मतलब क्या है? देखो ये लाइन ना यहाँ पे कट कर रहा है, है ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहने का मतलब इस लाइन के इधर जो चीजों को पॉजिटिव मानेंगे इधर क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, बिकॉज ये इनफाइनाइट है, ये लाइन कैसा है, इनफाइनाइट लेंथ का, है ना, ये आगे एक्सटेंड कर रहा है, इसके एरो लगा दिए, तो हम कहां से पॉजिटिव कहां से नेगेटिव यहां से कंसिडर करेंगे। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा ये पर्टिकुलर लाइन, इसको बोलेंगे इंक्लिनेशन। अब देखिए इंक्लिनेशन कितने तरीके के होंगे? जितने तरीके के इंक्लिनेशन होंगे उतने तरीके के स्लोप पॉसिबल। जैसे ये देखिए, अब बताइए इसमें हम कौन सा एंगल कंसिडर करें? इसको मैं थीटा 1 मानता हूँ, ये इंक्लिनेशन होगा या ये वाला इंक्लिनेशन होगा, बताइए। थीटा 1 विल बी इंक्लिनेशन और थीटा 2 विल बी इंक्लिनेशन, विच वन वी शुड कंसिडर, थीटा 1 और थीटा 2? प्लीज टेल, हम थीटा 1 कंसिडर करेंगे या थीटा 2 कंसिडर करेंगे? Certainly we'll consider theta 2. अभी मैं लिखा भी देता हूँ definition, don't worry. Theta 2 consider करेंगे. क्यों theta 2 consider करेंगे? Because ये जो line को यहाँ पे intersect कर रहा है, line के right side में हम positive मानेंगे और इसके इधर negative मानेंगे, है ना?
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इसको मानेंगे, तो ये जो लाइन है इस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल बना रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। इस केस में ये इंक्लिनेशन होगा, ठीक है, इज इट क्लियर। तो जो पहले इंक्लिनेशन समझते हैं, व्हाट इज इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का डेफिनेशन लिख लेते हैं। इंक्लिनेशन लिखिए, द एंगल इंक्लिनेशन थीटा, लिखिए द एंगल मेड बाय द लाइन, द एंगल मेड बाय द लाइन, कोई भी एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, द एंगल मेड बाय द लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, द एंगल मेड बाय द लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। ये बात समझ में आई, इसको क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन। इस केस में ये वाला इंक्लिनेशन है, ये वाला इंक्लिनेशन नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट इंक्लिनेशन, दिस इज इंक्लिनेशन, एंड इस केस में ये वाला इंक्लिनेशन, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है सर, व्हाट इज स्लोप, बिकॉज लाइन को पढ़ने के पहले स्लोप बहुत ही क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज स्लोप देन, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, टैन थीटा, है ना, टैन ऑफ इंक्लिनेशन, स्लोप इज गिवन बाय टैन ऑफ इंक्लिनेशन, दिस इज कॉल्ड स्लोप, ठीक है, टैन ऑफ इंक्लिनेशन, इसको लिख सकते हो टैन ऑफ इंक्लिनेशन, टैन ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड स्लोप, tan of inclination is called slope। अगर ये जो एंगल आया इसका आप अगर tan ले लेते हो इसको बोलेंगे slope, ठीक है, ये तो हमने मैथमेटिकली समझ लिया, ठीक है, अब इसका ज्योमेट्रिकली समझते हैं, क्या यहां तक सभी को बात क्लियर है, प्लीज टेल, अप टू दिस एवरीथिंग इज क्लियर, प्लीज टेल, क्या यहां तक सभी को क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए मुझे, सॉरी उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे यार, ये बेसिक सी बात है, अगर यहां तक क्लियर नहीं होगा तो फिर दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है अभी बता दीजिए, ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं, अब इसको देखिए, अब इसका फॉर्मूला होता है वो समझेंगे, ठीक है, देखिए सर हम भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं पर आपका परमिशन चाहिए, रिकॉर्डिंग कर सकते हो बट आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, बेटर है, ना, करने के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यू कैन डू द रिकॉर्डिंग, ठीक है, चलिए देखिए, बट आपको रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए ध्यान दीजिए, अभी जैसे ये मैंने लाइन बनाया, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि पहले जो क्लास, पहली क्लास में हमेशा धीरे पढ़ाता हूँ ताकि आपको हर चीज आराम से समझ में आ जाए। मान लेते ये जो पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज योर ए पॉइंट ऑन द लाइन एंड दिस पॉइंट इज योर बी ऑन द लाइन, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, मान लेते हैं एक्स वन है और ये वाई वन है, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स टू है और ये वाई टू, ठीक है, और ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। अब देखिए मैं इसको यहां से ऐसे ड्रॉप करूंगा तो बताइए यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना होगा, x1 होगा और ये वाला लेंथ कितना होगा यार, y1 होगा, क्या ये बात समझ में आ रही है, अगर मैं यहां पे ड्रॉप करता हूं तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ क्या होगा, x2 होगा और यहां से लेके यहां तक का लेंथ क्या होगा, y2 होगा, इज दिस क्लियर टू ऑल, जिसमें से आप ये बोल सकते हो कि यहां से लेके यहां तक तो y1 है
यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है वाई वन, तो ये वाला अगर मैं इसको सी मान लू, देन वॉट इज बी सी, वॉट इज बी सी, बी सी बताइए, बी सी क्या होगा, वॉट इज बी सी फटाफट बताओ, एंड वॉट इज ए सी, जल्दी रिप्लाई करो यार, पहले मुझे ए सी रिप्लाई करो, बाद में बी सी रिप्लाई करो, पहले मुझे ए सी रिप्लाई करिए और बाद में क्या रिप्लाई करिए, बी सी। ए सी क्या होगा आपके पास, दिस इज योर एक्स टू, दिस इज योर एक्स वन, दैट मीन्स एक्स टू माइनस एक्स वन, एंड बी सी विल बी वॉट, ये इसको ये टोटल लेंथ मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, डी डी माइनस सी डी, दैट मीन्स y2 minus y1, I hope इतनी सी बात clear है, because यहाँ से लेके यहाँ तक का length क्या आपके पास y2 है, is it clear? तो ये हो गया आपके पास। अब मैं अगर इसका tan लूँ, अब मैं इसका क्या लूँ tan, बताओ tan theta क्या होगा, what is tan theta, अच्छा ये तो theta है, अच्छा तो लेकिन ये वाली line और ये वाली line आपस में parallel है, हर बात को ध्यान से सुनिएगा यार, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बातों को ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा एक्सटेंड करूं तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा और ये दो पैरेलल लाइन हो जाएगी, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल, इतनी सी बात समझ में आ रही है, देन व्हाट इज टैन थीटा, दिस इज योर बी सी अपॉन ए सी, इज इट क्लियर टू ऑल, बी सी अपॉन ए सी, यहां तक समझ में आया, tan theta की वैल्यू क्या हो गई यार, BC upon AC, is it clear? अब यहाँ पे tan theta लिख दिया, ठीक है? तो ये क्या हो गया आपके पास? What is BC? Y2 minus Y1 upon X2 minus X1, ठीक है? और यही होता है आपके पास slope, और tan theta ही क्या होता है? Slope होता है, that means slope की वैल्यू क्या होती है? This is normally denoted by M. Slope is denoted by m, and this is your y2 minus y1 upon x2 minus x1. ठीक है? Is it clear? Physically इसको कैसे interpret कर सकते हो? Change in y with respect to change in x. Change in y with respect to change in x is called slope. Y में कितना change हो रहा है किसके respect में? X के respect में. That means x के रिस्पेक्ट में y कितना चेंज हो रहा है वही क्या होता है स्लोप होता है ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 clear है यार is it clear ठीक है तो ये स्लोप अगर आपको समझ में आ गया तो आगे आपको सारी की सारी बातें समझ में आएंगी अगर आपको स्लोप समझ में आ गया तो आपको आगे की हर बात समझ में आ जाएगी ठीक है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बिल्कुल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ना फिजिक्स में पढ़ा होगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स पढ़ा है ना ये नॉर्मली पढ़ लिया होगा अभी तक तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जिन्होंने नहीं पढ़ा पता नहीं मुझे बट ये तो पढ़ा होगा यार फिजिक्स में व्हाट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स स्लोप ठीक है पढ़ा है ना बिल्कुल सही तो भाई ये सब तो उसमें बेसिक है ठीक है चलिए थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन वगैरह भी पढ़ा है ना डिफरेंशिएशन बेस में पढ़ा होगा क्या बोलते हैं फाउंडेशन में ठीक है थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ा है ठीक है उस पर नहीं जाते हैं फिलहाल है ना अननेसरी आपको कन्फ्यूज वगैरह करने का कोई पॉइंट नहीं ठीक है जितना अभी समझ में आ रहा है काफी है ठीक है चलिए तो आगे बात करते हैं ये आपका हो गया स्लोप अब हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन की ठीक है अब हेडिंग पुट करिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन देखिए अलग अलग फॉर्म में लाइन की इक्वेशंस होती है तो मैं हर फॉर्म को डिराइव करूंगा ठीक है तो आज का क्लास थोड़ा सा आपका समझने वाला क्लास है ठीक है उसके बाद ये डेरिवेशन कितना हो गया 1129 हो गया ना ठीक है तो ये मैं एक एक दो इक्वेशन एक दो टाइप डिराइव करूंगा उसके बाद करेंगे क्वेश्चंस तो आप आज हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे ठीक है ताकि आप जब क्वेश्चन आए आपके सामने तो आप हर क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है चलो मान लिया सर ने बोला इसलिए मान लिया नहीं आप लोग अपना भी दिमाग यूज करेंगे ऐसा क्यों होता है कैसे नहीं होता है सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए ठीक है चलिए देखिए अभी मैंने ये लाइन बनाया ऐसा सपोज हमारे पास ये लाइन है
ठीक है, हमारे पास ये लाइन है, ठीक है। तो अच्छा, उससे पहले मैं कुछ और बातें कर लेता हूँ, इक्वेशंस निकालने के पहले मैं स्लोप से रिलेटेड कुछ और बातें करता हूँ। अच्छा ध्यान से सुनिए, अभी जो स्लोप है ना, बिकॉज ये स्लोप पढ़ रहे हैं तो पहले स्लोप का सारे पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। अभी ये जो स्लोप है, स्लोप क्या है आपका, टेन थीटा। स्लोप क्या है आपका, टेन थीटा। व्हाट इज दिस, दिस इज टेन थीटा, एम इज नथिंग बट टेन थीटा। अब बताओ मुझे, अभी ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, टेन थीटा क्या पॉजिटिव हो सकता है और क्या नेगेटिव भी हो सकता है? टेन थीटा क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है? जल्दी से मुझे बताइए, यस करके रिस्पॉन्ड कीजिए। क्या टेन थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, यस और नो? अच्छी बात है, तो बताइए टेन थीटा की वैल्यू कब कब पॉजिटिव होती है और टेन थीटा की वैल्यू कब कब नेगेटिव होती है? टेन थीटा की वैल्यू कब कब पॉजिटिव होती है और टेन थीटा की वैल्यू कब कब नेगेटिव होती है? पॉजिटिव होती है सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, और कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होती है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, ये चीज हमने पढ़ा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास लाइन ऐसा है, अगर मेरे पास लाइन ऐसा है तो बताओ ये कौन सा एंगल होगा, एक्यूट या ऑब्ट्यूस? अगर मेरे पास ये ऐसा एंगल है तो बताओ ये कौन सा एंगल होगा, एक्यूट या ऑब्ट्यूस? जल्दी से बताओ ये एंगल क्या है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? एक्यूट है। और जो एक्यूट होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। That means जब इस तरीके का डायग्राम बनेगा तो इसका जो स्लोप होगा m is equals to tan theta, ये क्या होगा, greater than 0 होगा, पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब ऐसा डायग्राम बनेगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, जब ऐसा डायग्राम बनेगा, जब ऐसा डायग्राम बनेगा तो इसमें इंक्लिनेशन ये नहीं लेंगे, इंक्लिनेशन हमेशा ये लेंगे, और ये होगा थीटा। बताओ ये ऑब्ट्यूस है या एक्यूट है, बताइए ऑब्ट्यूस है या एक्यूट है? ये वाला एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस। ये वाला एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस। और अगर ये ऑब्ट्यूस है दैट मींस ये 90 से 180 के बीच में है, 90 से 180 डिग्री के बीच में है। और अगर 90 से 180 के बीच में दैट मींस ये सेकंड क्वाड्रेंट है, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ पे होता है, 90 से 180 के बीच में। दैट मीन्स इसमें जो m होगा वो क्या होगा, tan थीटा, और इसकी वैल्यू होगी लेस देन 0, दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, नेगेटिव। दैट मीन्स आप डायग्राम देख के ही समझ सकते हो कि स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। इसमें स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। जब भी आपको ऐसा फोटो दिखे दैट मीन्स ये स्लोप पॉजिटिव, और जब भी आपको ऐसा फोटो दिखे तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। यहां तक बात क्लियर है सभी को? क्या यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, टॉपिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते चलिए, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात कर लेते हैं, अभी बात कर लेते हैं, बिकॉज स्लोप तो पढ़ ही लिया है, ठीक है, स्लोप हमने क्या है, पढ़ लिया है, ठीक है। तो स्लोप के ऊपर जितनी कंडीशंस बन सकती हैं पहले उसी को पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन के बारे में, ठीक है। तो लिखिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एक्सिस दिया हुआ है, ये मान लो ये पहली वाली लाइन है, ठीक है, ये इंक्लिनेशन इसका थीटा 1 है। ये मान लेते हैं दूसरी वाली लाइन है, इसका इंक्लिनेशन ये होगा थीटा 2 होगा, और इन दोनों के बीच का एंगल हमें निकालना है थीटा।
अच्छा इस लाइन के मैं बोलूं, मैंने बोला ये पहली वाली लाइन है यार और ये दूसरी वाली लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में कितने एंगल हो सकते हैं, कितने कितने एंगल हो सकते हैं? ये भी एंगल हो सकता है ना, या ये बोलो ये तो ये और ये बराबर ही हो जाएगा है ना, या फिर ये वाला एंगल होगा। अगर ये एंगल होगा थीटा, ये वाला एंगल कितना होगा जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी दिस एंगल? 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। तो हम पहले क्या देखो, तो ये अगर मान लेते हैं, ध्यान से सुनो, अगर थीटा ऑब्ट्यूज हुआ, अगर थीटा क्या हुआ ऑब्ट्यूज, 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा जल्दी से मुझे बताओ? 180 डिग्री माइनस थीटा ऑब्ट्यूज होगा या एक्यूट होगा? अगर थीटा ऑब्ट्यूज हुआ तो 180 डिग्री माइनस थीटा ऑब्ट्यूज होगा या एक्यूट होगा? एक्यूट होगा भैया, क्या होगा? एक्यूट होगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से 180 के बीच में, और 180 में किसी भी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो जो 90 से 180 के बीच में है, हमेशा उसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम आएगी, मतलब ये एक्यूट होगा। दैट मींस कहने का मतलब कि अगर ये ऑब्ट्यूज हुआ तो ये वाला एक्यूट होगा, और अगर ये एक्यूट हुआ तो 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। अगर थीटा एक्यूट हुआ, ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? ऑब्ट्यूज हो जाएगा। दैट मींस कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो एंगल मिलेंगे, इन दो लाइंस के बीच में दो एंगल्स मिलेंगे, ये तो ये वाला एंगल मिलेगा और ये वाला एंगल मिलेगा। तो हम बात करते हैं, पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे और 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें दूसरा एंगल मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रही बात सभी को? बहुत ही धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? इज इट क्लियर? बिकॉज यू आर लर्निंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ऐसा मान के चल रहा हूँ बिल्कुल आपको जीरो आता है, कुछ नहीं आता है, तो मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो जरूर मुझे बताएं। अब देखिए, अब बताइए, क्या मैं इसको θ2 इज इक्वल्स टू θ1 प्लस θ लिख सकता हूँ? बताना है कौन से थ्योरम से? बाई डैश थ्योरम। बताओ जल्दी से, देखते हैं कितना पढ़ा 10th स्टैंडर्ड। जल्दी बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स। एक्सटीरियर एंगल, वेरी गुड। क्या है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? 9th स्टैंडर्ड में। तो अब देखिए ध्यान से, थीटा टू इज इक्वल्स टू, अभी आप क्या करिएगा, ये अगर आपको थीटा चाहिए, इसको लिखोगे θ2 - θ1, अब लिखोगे नहीं लिखोगे? अब आप क्या करो, दोनों तरफ टैन लगा दो। अब क्या करो, दोनों तरफ क्या लगा दो? टैन लगा दो। तो इसको लिख सकते हो टैन थीटा और इसको लिख सकते हो टैन θ2 - θ1। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, ठीक है, उनको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल टेन थीटा का फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद रखेंगे, बिकॉज अब पीछे की चीजों को सोच के परेशान हो गए तो ये भी समझ में नहीं आएगा, तो जितना अभी बताया जा रहा है उतना समझ लेना। टेन थीटा क्या होगा? आपका स्लोप होगा, इसको लिख देंगे एम, ठीक है, इज इट क्लियर? और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उनको पता है, जिन्हें नहीं पता वो लिख लेंगे और परेशान नहीं होंगे। ये होता है आपके पास टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 a into 10 b, ये होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है टेन ऑफ ए माइनस बी का। क्लियर है? तो यहाँ पे टेन थीटा टू माइनस थीटा वन है, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा टू इंटू टेन थीटा वन। क्या यहां तक बात क्लियर है सभी को? क्या यहां तक बात क्लियर है सभी को? तो इसको आप लिख सकते हो m, इसको मैंने क्या मान लिया m, टेन थीटा टू मतलब स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन m2, टेन थीटा वन मतलब स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन m1, एंड दिस इज योर 1 प्लस दिस इज योर m1 इंटू m2। तो ये हो गया आपके पास
एम, और इसको बेटर बोल सकते हो, अभी आप एम को टेन थीटा ही बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप इसको टेन थीटा ही बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको टेन थीटा ही बोलते हैं, आपकी आपको समझ में आ जाएगा, टेन थीटा है और ये क्या है, टेन थीटा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई यार सभी को? एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन इंटू एम टू, क्या यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? ठीक है, तो यहां से आप थीटा निकाल सकते हो आराम से, यहां से आप क्या निकाल सकते हो, एंगल बिटवीन टू लाइन निकाल सकते हो। अब अगर ये जो थीटा है, एक एंगल थीटा हुआ तो दूसरा क्या होगा, 180 माइनस थीटा, है ना, तो अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो तो दूसरा एंगल कैसे मिलेगा, है ना, दूसरा वाला एंगल 180 में से थीटा को माइनस करना पड़ेगा और ये हो जाएगा एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन इंटू एम टू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये ऐसा था तो अगर ये थीटा है तो दूसरा एंगल कैसे मिलेगा, 180 माइनस थीटा से मिलेगा, तो मैं थीटा की जगह पे दूसरा एंगल निकालना है तो 180 माइनस थीटा भी पुट कर सकता हूँ। एंड व्हाट इज टैन ऑफ 180 माइनस थीटा, व्हाट इज टैन ऑफ 180 माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा, क्या होता है, माइनस टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन इंटू एम टू। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि आप टेन थीटा इक्वल्स टू, आप इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो माइनस इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन इंटू एम टू। कहने का मतलब ये है कि यार टेन थीटा की दो वैल्यू आई, कौन कौन सी वैल्यू आई, एक तो ये वाली वैल्यू आई थी और एक ये वाली वैल्यू आई, है ना, तो डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू ले, ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं, इनको कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को कंबाइन करके लिख सकते हैं प्लस माइनस, ठीक है, एम टू माइनस एम वन लिखो, एम वन माइनस एम टू लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, एम वन माइनस एम टू लिख दिया, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय वन प्लस एम वन इंटू एम टू। या तो बुक में आपको ऐसा फॉर्मूला देखने को मिलेगा, अगर ऐसा आपको नहीं देखने को मिला तो इसी को क्या लिखता है वो, टेन थीटा इक्वल्स टू। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर प्लस होगा तो एम वन माइनस एम टू होगा और माइनस होगा तो एम टू माइनस एम वन होगा, दैट मीन्स आप बोल सकते हो दिस इज योर मॉडुलस ऑफ एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन इंटू एम टू, बिकॉज मॉड जब ब्रेक होगा, मॉड जब भी ब्रेक होता है तो प्लस और माइनस में ब्रेक होता है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपके पास टेन थीटा, एंड दिस इज योर एंगल वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइन। आई होप क्लियर है, इज इट क्लियर? अच्छा, ये इनका कहना है कि सर ये एम टू माइनस एम वन होगा ना, तो देखो इसको अगर आप एम टू माइनस एम वन लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर आप ये लिखोगे तो इसको ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एम वन माइनस एम टू लिखो या एम टू माइनस एम वन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ में आ रही है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, एम टू माइनस एम वन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एम टू माइनस एम वन लिखिए, बिकॉज फाइनली बाद में क्या होने वाला है, सबका मॉड होने वाला है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात समझ में आ गई, तो फाइनल आप क्या फॉर्मूला याद रखेंगे, दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला, ये आपका क्या है, फाइनल फॉर्मूला है। तो ये हो गया आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट, अगर आपको दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन इंटू एम टू। यार यहाँ तक बात सभी को क्लियर है? अभी तक बेसिक चल रहा है, अभी तक लाइन के इक्वेशंस तक भी नहीं पहुंचे हैं, बट चूंकि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सिलेबस तो यार देखो कवर तो हम लोग कर ही लेंगे, उसका तो आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि खाली सिलेबस कवर हो मजा नहीं आएगा, ठीक है, समझते हुए चलेंगे ना ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, तो टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये फाइनल फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब इसमें दो केसेस अराइज होंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, केस नंबर वन, केस नंबर वन, केस वन में क्या होगा कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू Each other. अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो उनके बीच का क्या एंगल होगा, फटाफट मुझे बताओ,
अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो गए, ये लाइन ये लाइन आपस में पैरेलल हो गए, तो थीटा क्या होगा बताना मुझे फटाफट। जल्दी बताइए मुझे, जीरो होगा, थीटा विल बी जीरो। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो गए तो थीटा क्या होगा, जीरो होगा, और जीरो होगा तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो डिग्री। ठीक है, और थीटा जीरो हो गया तो यहाँ पे लिख देंगे टेन जीरो इज इक्वल्स टू यहाँ पे मॉडुलस एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन इंटू एम टू। मॉड पता है ना कैसे ब्रेक होता है, लिख लेना मॉडुलस ऑफ ए इक्वल्स टू अगर के है तो ए की वैल्यू होती है प्लस माइनस के, ये हमेशा ध्यान रखिए। इसीलिए उल्टा लिख सकते हैं, अगर प्लस माइनस के है तो मॉड डाल दीजिए और मॉड ब्रेक होगा तो प्लस माइनस के में ब्रेक होगा। इसीलिए मैंने देखो प्लस माइनस की जगह पे क्या डाला है, मॉड डाला है। देखो प्लस माइनस की जगह पे क्या डाला है, मॉड डाला है। इसको एम टू माइनस एम वन लिखो या एम वन माइनस एम टू लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप इतनी सी बात क्लियर है सभी को, आई होप इतनी सी बात क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया जीरो और ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ, तो मॉडुलस को ब्रेक करेंगे फिर किस में ब्रेक होगा, प्लस माइनस में। इज इट क्लियर, ये प्लस माइनस जीरो और यहाँ से हो जाएगा एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन इंटू एम टू। अब इसको प्लस माइनस जीरो तो जीरो ही होता है, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आप क्या बोलोगे यार जीरो इंटू दिस विल बी जीरो और यहाँ से हो जाएगा एम वन माइनस एम टू। दैट मीन्स आप क्या बोलोगे यार एम वन इक्वल्स टू एम टू, क्या बोल दोगे आप एम वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम टू हो जाएगा। दैट मीन्स दोनों लाइन के स्लोप इक्वल होंगे। आज के बाद से हम लोग कॉन्सेप्ट बना ले, ठीक है ना, ये बहुत ही स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या है यही कॉन्सेप्ट मैं थ्रू आउट यूज करूंगा, थ्रू आउट ये यूज करूंगा, बोलूंगा दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज करूंगा, तो उस समय आपके दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए, उस समय दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, अच्छा थीटा की वैल्यू जीरो है दैट मीन्स एम वन माइनस एम टू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एम वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम टू हो जाएगा, दिमाग में बिल्कुल क्लिक करना चाहिए जो डेरिवेशन था। ठीक है, जब भी मैं बोलूंगा कि दो लाइन आपस में पैरेलल है या दो लाइन कोइंसाइडिंग है उनका स्लोप हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई सभी को, चलिए बढ़िया है। अब दूसरा केस बनता है इफ टू लाइंस, दूसरा इफ टू लाइंस, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, कौन सा कुलर बताओ जल्दी से, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या सिचुएशन बनेगी, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है व्हाट विल बी सिचुएशन, थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा। भैया दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, आपस में परपेंडिकुलर है, ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी ना, थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री होगी। इसमें कोई कष्ट वाली बात, कुछ ही लोग को रिप्लाई आ रहा है, बाकी लोग नहीं समझ रहे क्या इसमें, यार क्या इसमें कोई बड़ी तोपची थोड़ी है। जब कुछ लोग, मैं बताता हूँ कि कुछ लोग ना जैसे 11th स्टैंडर्ड आता है वो ऐसे समझ ले करते हैं कि 11th स्टैंडर्ड में पता नहीं मैथ्स कुछ अलग ही होगा, अरे कुछ नहीं है, ठीक है, कोई भी टॉप चीज नहीं है, ज्यादा सीरियसली इतना लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से पढ़ाई करो, मस्ती में पढ़ाई करो, सब चीज समझ में आएगा, ज्यादा टेंशन लेके पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी, तो यहाँ पे हो गया टेन 90 और ये क्या ब्रैकेट में हो गया एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन इंटू एम टू, होगा कि नहीं होगा। टेन 90 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से मुझे बताओ, टेन 90 कितना होता है भाई, जल्दी बताओ फास्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन 90, 1/0। हाँ, टेन 90 इज इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हो नॉर्मली, 1/0, इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हो आप 1/0, तो इसको क्या लिख दोगे 1/0 है ना, और ये मॉडुलस में ब्रेक हो जाएगा प्लस माइनस में और ये आ जाएगा आपके पास एम वन माइनस एम टू और ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एम वन इंटू एम टू। ठीक है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 इंटू समथिंग और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 प्लस एम वन इंटू एम टू
और ये हो जाएगा जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। दैट मीन्स आप आगे क्या बोलोगे, आप आगे बोलोगे सर m1 वन इंटू एम टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रिजल्ट है ये, ठीक है। जब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलता रहेगा उसमें एक क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार यूज होगा। m1 वन इंटू एम टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। फिर इसको ऐसे बोल सकते हो m2 की वैल्यू माइनस वन बाय m1, कि जैसे बोलना है जैसे ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस फॉर्म में आप याद रखना चाहें याद रख लीजिए। तो ये दो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अगर दो लाइन आपस में पैरल है तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप क्या होगा, उनका स्लोप का उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा, उनका जो स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, माइनस वन होगा। यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई क्या, यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई? प्लीज टेल, एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम योर एंड, एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम योर एंड। ठीक है, देखो अभी तो चैप्टर जो है ये सब बैकग्राउंड में चल रहा है अभी, है ना, ये सब बैकग्राउंड बताया जा रहा है ताकि आपको आगे की चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, जो जो चीजें आपको यूज होने वाली है ना, ठीक है, बिकॉज किसी भी चीज को अगर समझना है ना तो बैकग्राउंड में चीजों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे अगर आपको नॉर्मली हिस्ट्री वगैरह बोरिंग लगता होगा, है ना, नाइन टेंथ में जो हिस्ट्री वगैरह होता है, पॉलिटी होता है, बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड ही नहीं पता होता है हमें। ठीक है, हमें बैकग्राउंड ही नहीं पता यार कि पार्टीशन का क्या बैकग्राउंड था। हमें यही नहीं पता है कि जो अलग अलग एक्ट्स आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसका बैकग्राउंड ही नहीं पता। अभी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा बिकॉज अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो अब इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ तो पढ़ लिया, उसका बैकग्राउंड क्या है वही नहीं पता। तो जब उसका बैकग्राउंड पता होगा ना तो बहुत ही मजा आएगा आपको। इसलिए बैकग्राउंड हर चीज में जरूरी है। ठीक है, इसलिए पीछे का ग्राउंड वर्क होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन की। किसकी बात करेंगे? इक्वेशंस ऑफ लाइन की। ठीक है, अब हेडिंग पुट करिए इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, इन डिफरेंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। उसके पहले अगर नहीं लिखा है तो लिख लो फटाफट, अगर ये रिजल्ट नहीं लिखा है तो लिख लो यार पहले फटाफट। लिख लिया सबने? डन करके रिस्पॉन्ड करिए इफ यू हैव रिटन, इफ यू हैव रिटन राइट डन, फटाफट लिखो डन का रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म लिखा। स्लोप बता दिया आपको, एंगल बिटवीन टू लाइंस बता दिया। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करा दूं क्या पहले आपको, या फिर इक्वेशंस ऑफ लाइन बता दूं? चलो एक इक्वेशंस ऑफ लाइन बताता हूं, उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस करा दूं। ठीक है, तो जो है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए लिखे क्वेश्चन सर। ये सर ये कहीं और पढ़ाया है आपने, कुछ हमें सेम लग रहा है, एनडीए में पढ़ाया है। ठीक है, दिस आई हैव टॉट इन एनडीए। अरे भैया यार इतना जल्दी मत बोलो यार, स्ट्रेट लाइंस वही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, सेम तो लगेगा ही ना, वही चीज है, अलग कहां से हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, सबसे पहला लिखिए टू पॉइंट फॉर्म। क्या लिखोगे? टू पॉइंट फॉर्म मींस आपके पास दो पॉइंट दिए जाएंगे, एक पॉइंट दिया जाएगा ए एक्स वन कॉमा वाई वन, और दूसरा पॉइंट दिया जाएगा बी
एक्स टू कॉमा वाई टू, इससे लाइन के इक्वेशंस कैसे निकलेगी, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि यार ए की वैल्यू दे दी समझो टू कॉमा माइनस थ्री, बी की वैल्यू दे दी समझो वन कॉमा टू, और मैं बोलूं कि इन दोनों लाइन दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, जल्दी मुझे बताओ, दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, लाइन सेगमेंट बनेगा, उसी को एक दोनों एंड को एक्सटेंड करेंगे तो क्या बनेगा, लाइन बनेगा। तो ये जो लाइन बनेगा उसका क्या इक्वेशन होगा, ये तो हमने 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा, हमने तो पढ़ा है दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी 11th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ रहा है, ये जो दो पॉइंट दिए हुए हैं इन दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, उनके एंड को एक्सटेंड करेंगे तो लाइन बनेगा, उस लाइन की क्या इक्वेशंस होगी, ये हमें पढ़ना है 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो इन लाइन की इक्वेशंस क्या होगी वही हम लोग डिराइव करेंगे। अभी देखिए छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है, देखो एनडीए में आई थिंक जब मैंने पढ़ाया था तो डायरेक्टली बता दिया था ये लाइन का इक्वेशन होता है, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो प्रॉपर डेरिवेशन के साथ बताऊंगा, ठीक है, बिकॉज एनडीए में कभी भी डेरिवेशन पूछता नहीं है, इसलिए जो चीज की जहां पे रिक्वायरमेंट है हमें वही चीज पढ़नी चाहिए। यस ठीक है, चलिए देखिए एनडीए में ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है, इसमें आपका सब्जेक्टिव अप्रोच होता है, ठीक है, टीचर को देखो सेम ही है लेकिन अप्रोच चेंज हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इस लाइन के अगर इक्वेशंस को निकालना है तो हमारे पास दो पॉइंट दे दिए जाएंगे, एक पॉइंट दे दिया जाएगा आपके पास, ये दे दिया जाएगा एक्स वन कॉमा वाई वन, दूसरा पॉइंट दे दिया जाएगा आपके पास एक्स टू कॉमा वाई टू, और तीसरा पॉइंट मान लेते दे दिया सी, बिकॉज एक्स और वाई के टर्म्स में इक्वेशन चाहिए होगा, तो ये हो गया सी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। हाँ भाई, तो अब हम क्या काम करेंगे कि बताइए जो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी जो होगा इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी, ये बात समझ में आई, जो ए बी का स्लोप होगा, क्यों ऐसा क्यों, बिकॉज ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, इसको एक्सटेंड करो तो लाइन बन रहा है। अच्छा ए सी क्या है, ए सी भी उसी पॉइंट, उसी जो सी है उसी पॉइंट पे है, ए सी भी एक लाइन सेगमेंट है, उसको एक्सटेंड करोगे तो सेम ही तो लाइन बन रही है, और सेम लाइन का स्लोप हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, यही तो स्लोप है दोनों का, टेन थीटा। ये बात समझ में आई, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, बेसिक थिंग है, बिकॉज ये एक ही लाइन है ना, इस पे मैं कितने भी पॉइंट डाल दूं है ना, और उस पे कितने ए बी बी सी सी डी ए डी ए डी ए एम कुछ भी करूं, उन सबका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, ये कितने लोगों को बात समझ में आई, ठीक है। अब बस स्लोप का फॉर्मूला लिखिए और फटाफट आंसर आ जाएगा, ए बी का स्लोप क्या होगा यार, ए बी का स्लोप होगा वाई टू माइनस वाई वन, अभी मैंने याद करवाया आपको, एक्स टू माइनस एक्स वन। अब जिसने जिसने पहले स्लोप नहीं समझा होगा वो मुश्किल होगा इसके लिए, इसलिए बैकग्राउंड वर्क हमने किया था, अब ये मैंने बता दिया तो अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप हो गया। अब ए सी का स्लोप क्या होगा, ए सी का स्लोप होगा वाई माइनस वाई वन, है ना, वाई इसको वाई टू मान लेते हैं, इसको एक्स टू मान लेते हैं, इसको वाई वन एक्स वन है ही है, तो यहाँ से वाई टू माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन इंटू, है ना, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको रिजल्ट मिल गया, व्हाट रिजल्ट यू आर गेटिंग, यू आर रिजल्ट यू आर गेटिंग इज वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये स्लोप है आपका एंड दिस इज योर एक्स माइनस एक्स वन, ये इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, ये इस लाइन का क्या है, इक्वेशन है, जब आपके पास दो, जहां पे ये ध्यान रहे ये क्या है आपके पास स्लोप है, दिस इज व्हाट स्लोप। यहां तक बात क्लियर है सभी को, तो ये ध्यान रखेंगे आज के बाद से, हम इसको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे आज के बाद से, हम इसको ध्यान में रखेंगे कि y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और यहाँ पर स्लोप क्या है, टू पॉइंट फॉर्म में वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, पहले का अगर नोट डाउन नहीं किया है
ये देखिए मैं ऊपर कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं किया है तो, टेक द स्क्रीनशॉट, यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, डन। और यहां से लेके यहां तक लिख लो, फटाफट लिखिए, ठीक है भाई। अरे ओमकार अदक, आप भी आ गए, कैसे हो गई ओमकार अदक, तुम्हारे देखने के लिए तो हमारी आंखें तरस गई। हाउ आर यू, तुम नहीं होते तो मन कहाँ लगता है। सर देख थोड़ी सकते हैं, ये 10th के बाद पागल हो गया है ऑनलाइन क्लास में, इसको मेंटल कॉर्नर भेजना पड़ेगा। देखो क्या है कि जब विश्रांतवाड़ी जाओगे ना तो विश्रांतवाड़ी के आगे एक बस स्टॉप आता है, वो है साठे बिस्किट कंपनी, और साठे बिस्किट कंपनी के बाद एक और स्टॉप आता है मेंटल कॉर्नर। तो मुझे लग रहा है तुम्हारा डेस्टिनेशन वही है, ठीक है, चलिए बात करते हैं, ठीक है, चलो यार ध्यान दो तुम, ठीक है, क्लियर है सभी को, लिख लिया सबने तो, अच्छा ये जो है ये पहला फॉर्म हो गया, ठीक है, साथ में दूसरा फॉर्म लिख देते हैं। दूसरा फॉर्म होता है इसमें, देखो इसमें क्या यूज हुआ है, ये यूज हुआ है टू पॉइंट फॉर्म यूज हुआ है, वाई वन एक्स वन, देखो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, इज इट क्लियर टू ऑल। अब देखिए क्या है, अब लिखिए दूसरा वाला फॉर्म, लिखिए स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्या हो गया स्लोप पॉइंट फॉर्म। अभी बस इसमें कुछ नहीं, इसमें आपको स्लोप दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट मतलब आपको पता है कोऑर्डिनेट दिया रहेगा किसी भी एक पॉइंट का, मान लीजिए दे दिया एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है, और स्लोप दे दिया मतलब एन, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, देखो आपके पास मान लीजिए एक्स वन वाई वन पॉइंट है तो यही वाला पुट कर लेंगे वाई माइनस वाई वन, और ये हो जाएगा स्लोप, तो इसको बस एम से रिप्रेजेंट करो, और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन। तो आज हम लोग दो इक्वेशन पढ़ के अब हम आधे घंटे में करेंगे क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए फटाफट, देखिए किस तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, सो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन। एक घंटा थ्योरी पढ़ा, अब आधा घंटा करेंगे क्वेश्चन, तो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन। भाई सो रहे हो क्या तुम लोग, जल्दी बताओ। जोश नहीं है तुम लोगों में, ऑलवेज रेडी संकेत संदेह, यस सर, ठीक है, जहां भी बैठे हो ना, ठीक है, अगर जोश नहीं आ रहा है, नींद आ रही है तो जोर से यस सर बोलो, हमारे आसपास में मम्मी पापा होंगे चौंक जाएंगे, अरे बेटे को क्या हो गया, लग रहा पढ़ पढ़ के पागल हो गया है, ठीक है, देखो अगर कोई पागल भी बोले ना तो ऐसा बोले कि पढ़ पढ़ के पागल हुआ है तो अच्छा है ना, है कि नहीं। चलिए करते क्वेश्चन, ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए जो अब तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर करेंगे क्वेश्चंस। कितना आपको समझ में आया, कितना आपको समझ में आया, अब आपको यही बताएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन के फॉर्म में आपको कितना
समझ, आपको क्वेश्चन देता हूँ, उससे हमें समझ पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए। द एंगल बिटवीन टू लाइन, द एंगल बिटवीन टू लाइन, द एंगल बिटवीन टू लाइन इज पाई बाई फोर। कितना होगा पाई बाई फोर? एंड द एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन था तो मैंने सिंपल दिया है। फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन, अदर लाइन। 1 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी से करके। ठीक है, -1/3 सिर्फ एक ही आएगा। देर विल बी वन आंसर और टू आंसर। -1/3 इज करेक्ट बट देयर विल बी टू आंसर। अच्छा ठीक है, मैं आपको, देखो जैसे मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में गूगल क्लासरूम के बारे में, ठीक है ना, तो आपको गूगल क्लासरूम पे ही होमवर्क मैं दूंगा। ठीक है, ओके, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कौन से क्वेश्चन नंबर से कौन से क्वेश्चन नंबर तक आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज पूरे मिक्सड अप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, आप वो क्वेश्चंस करके लाइएगा। ठीक है, 3 and -1/3। ठीक है भाई, बढ़िया है। अब आपको फॉर्मूला याद होना है कि यार एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, टैन थीटा, और मॉडुलस में होता है M1 - M2। लिखो M2 - M1, लिखो जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो। तो मैं लिख देता हूँ M2 - M1, कुछ भी लिख सकते हो। और ये होगा 1 + M1 * M2। एंगल बिटवीन टू लाइन इज पाई बाई फोर, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर होगा 1। M2 आपको नहीं पता, M2 लिख देते हैं, दिस इज योर M2। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। M2 - M1, व्हाट इज M1? पहले वाले लाइन का स्लोप कितना है? स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, एंड दिस इज योर 1 + दिस इज योर हाफ एंड दिस इज योर M2। ये बात समझ में आ गई सभी को। और ये मॉड है तो किसमें ब्रेक हो जाएगा? प्लस माइनस में। ये जब मॉड ब्रेक होता है किसमें ब्रेक होता है? प्लस माइनस में। दैट मींस आप ये बोल सकते हो 1 + M2/2। ठीक है, और ये हो जाएगा इधर से प्लस माइनस इज इक्वल्स टू M2 - 1/2। एक बार प्लस ले लो और एक बार क्या ले लो? माइनस ले लो, और आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? आगे का क्वेश्चन है सर। हाँ जी, ठीक है, इज इट क्लियर? तो M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉल्व कर लेना, 3 आएगा या फिर क्या आएगा? -1/3 आएगा। इज इट क्लियर? या तो 3 आएगा नहीं तो क्या आएगा? -1/3 आएगा। वो क्लियर है सभी को? इसके बाद तो सॉल्व कर ही सकते हो, इतना तो भरोसा है ना आप लोगों को अपने ऊपर। क्वेश्चन ठीक है, चलिए अब आप एक क्वेश्चन करके दिखाइए फटाफट, एक क्वेश्चन करके दिखाइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आज कर रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू
ऑफ वाई, वाई की क्या वैल्यू होगी, सो दैट द लाइन, सो दैट द लाइन, सो दैट द लाइन थ्रू, सो दैट द लाइन थ्रू थ्री कॉमा वाई एंड 2,7 is parallel to the line, is parallel to the line, line ke parallel hai, is parallel to the line through, is parallel to the line through -1,4, ठीक है, एंड 0,6। चलिए बताइए मुझे फटाफट। जल्दी से बताइए फास्ट। अथर्व पवार का आंसर आ चुका है 9। ओके, बाकी लोग बताइए फटाफट 9। अब देखो क्या बोला है, सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा यार इसमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, सो दैट द लाइन थ्रू दिस एंड दिस इस पैरेलल टू द लाइन। अभी मैंने बोला जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये जो दो पॉइंट है इसके थ्रू एक लाइन पास हो रही है और ये दो पॉइंट है इसके थ्रू एक लाइन पास हो रही है, तो पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है ना, इन दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होगा y2 - y1 7 - y, ठीक है, x2 - x1 2 - 3, है ना, एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, स्लोप ऑफ this is equals to slope of this. And what is the slope of this? 6 - 4, okay, 2 हो जाएगा. And 0 - -1. I hope सभी को clear है. इन दोनों line के through जो slope आएगा, इसका slope मान लेते m1, इसका slope मान लेते m2. मैंने क्या लिखा है? m1 equals to लिखा है m2. और m1 का formula क्या होगा? y2 - y1 upon x2 - x1. इसको y2 x2 माना है. इसको x1 y1 माना है. यहाँ solve कर लीजिए, बताइए क्या answer आएगा? तो 7 - y और ये 2 - 3 कितना आएगा? -1, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, ठीक है, तो 7 - y equals to आ जाएगा -2, that means y की वैल्यू आ जाएगी 9। सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा एप्लीकेशन था, ठीक है, एप्लीकेशन था कि बस किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। चलिए लिखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ray of light passing through the point, a ray of light passing through the point 1,2 reflects on the x-axis, on the x-axis at point A, ठीक है, and reflected ray
ठीक है, पासेस थ्रू द पॉइंट, पासेस थ्रू एंड रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पॉइंट एंड रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पॉइंट 5,3। कहां से पास हो रहा है? 5,3 से पास हो रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। चलिए बताइए इसको फटाफट। क्वेश्चन समझिए पहले। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, एट द पॉइंट ए। कहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है? ए पे। डायग्राम बनाना पड़ेगा। एंड रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पॉइंट 5,3, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, पहले इसका डायग्राम बनाइए और बताइए मुझे। ठीक है, जल्दी बताइए फास्ट। ये कौन है भैया? खतरनाक इंसान। डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन कर देता हूँ। बेवकूफों की कमी नहीं भाई हमारे इसमें। स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? You all are able to see the screen? ठीक, ओके। You all are able to see the screen ना? एक बार बताओ मुझे चेक करके। ठीक है, ओके, जल्दी से बताइए मुझे। आई एम गिविंग यू टाइम, टिल द टाइम यू सॉल्व इट फास्ट। स्लोप का ही कॉन्सेप्ट यूज करना है और रिफ्लेक्शन वगैरह का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है वो यूज कर लीजिए। ठीक है, आपको पता है ना रिफ्लेक्शन में क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, सोचिए किस तरीके से होगा। अच्छा क्वेश्चन है और आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। होने के बाद मुझे डन का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, टिल द टाइम आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस। अभिषेक शेलार इज देयर, आदेश आकाश खोट, अथर पवार इज देयर, अब्दू पाटिल, भक्ति निनाद इज देयर, निनाद, आप लोग अपना अटेंडेंस दे दीजिए एक बार फटाफट। आप लोग एक बार अटेंडेंस दे दीजिए फास्ट। गिव योर अटेंडेंस।
गिवन. सैयद साहिल इज देयर? सैयद साहिल इज देयर? नो. ठीक है भाई, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. काफी टाइम लगाया आप लोगों ने. डन. डन. ओके, बहुत बढ़िया. सुशील का आंसर आ चुका है. ओके ग्रेट. ठीक है, बाकी किसी का आंसर नहीं आया. हाउ मेनी टू डन? डन का रिप्लाई करिए फटाफट. अगर आपने कर लिया है तो फटाफट डन का रिप्लाई करिए. सूरज से वाले डन. ओके, साहिल माने डन. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. कितने लोगों ने डायग्राम बनाया है? हाउ मेनी हैव ड्रॉन द डायग्राम? हाउ मेनी हैव ड्रॉन द डायग्राम? ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए सभी लोग. सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया जिन लोगों से नहीं हुआ. देखिए, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2. ठीक है भाई, एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस. से कुछ बना देते हैं सब. एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, ठीक है, एट पॉइंट ए. ठीक है ना, ये हो जाएगा आपके पास. ऑब्वियस सी बात है, एक्स कॉमा जीरो, ये ए पॉइंट रहेगा. दिस विल बी योर पॉइंट ए. कौन सा पॉइंट होगा, यहां पे लिख देते हैं. ये आपका ए पॉइंट रहेगा और ए पॉइंट पे ही एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. दैट मींस एक्स का कोऑर्डिनेट होगा एक्स कॉमा जीरो, बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा. अब आगे बात करते हैं कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 रिफ्लेक्ट यहाँ से हो रहा है और ये 1, 2 से कहीं पास हो रहा होगा, 1, 2 से. ठीक है, और रिफ्लेक्ट होगा, है ना. आपको पता है इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? नॉर्मल. पढ़ा ना 10th स्टैंडर्ड में रिफ्लेक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं. इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, और ये है आपका आई और ये है आपका आर. तो आई इक्वल्स टू आर था, पढ़ा था ना. तो ये थीटा और ये भी थीटा होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बेसिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज होगा यहाँ पे. अच्छा, तो ये आपका ऑब्वियस बात, आपको ये पता चल गया कि यार ये 90 डिग्री है. तो ये आपको पता चल गया कि यार ये कितना है, 90 माइनस थीटा है. ये कितना है, 90 माइनस थीटा. और अगर आप इसकी स्लोप की बात करो तो ये हो जाएगा आपके पास एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 3. ये हो गया 5, 3 से पास हो रहा है. इसका कुछ नाम दे दो. कुछ नाम देना है तो दे दो. ये 1, 2 से पास हो रहा है, इसको मान लेते बी नाम दे दो. दे दिया, इसको सी दे दिया. क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही सभी को? तो अभी आपका ये जो स्लोप ऑफ एसी, ध्यान से देखना, स्लोप ऑफ एसी इज इक्वल्स टू क्या होगा, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा होगा. होगा कि नहीं होगा यार, सिंपल सा है ना. टेन ऑफ 90 माइनस थीटा यही तो होगा स्लोप. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का कौन सा एंगल बना रहा है, 90 माइनस थीटा. ये इसका इंक्लिनेशन हुआ और इंक्लिनेशन का जो टेन होगा वही तो एसी का स्लोप होगा. दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 माइनस 0 और ये हो जाएगा 5 माइनस x इक्वल्स टू टेन 90 माइनस थीटा. ये हो जाएगा कॉट थीटा. दैट मींस कॉट थीटा की वैल्यू 3/5 माइनस x होगा. एक लाइन का आंसर है, ज्यादा कुछ करना नहीं है. अच्छा, अब आप यहां से देखो, ये 90 है और ये थीटा है, तो यहां से लेके यहां तक का एंगल क्या होगा आपके पास, इंक्लिनेशन 90 प्लस थीटा. बिकॉज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं, अगर आप इसको पीछे बैक ट्रेस करोगे, ये इसका पॉजिटिव साइड हो गया. इसके साथ जो एंगल ले रहे हो ये 90 प्लस थीटा होगा और इसका जो स्लोप होगा ये एबी के बराबर होगा. दैट मींस स्लोप ऑफ एबी इज इक्वल्स टू 90 प्लस थीटा जो इंक्लिनेशन है उसका टेन लेना पड़ेगा.
यार यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को? यस करके रिस्पॉन्ड करो फटाफट, जितने लोग, खास करके वो रिस्पॉन्ड दीजिए जितने लोग नहीं कर पाए इस क्वेश्चन को। जितने लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए तो जरूर रिस्पॉन्ड दीजिए अपना फटाफट। ठीक है यार, सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा ये स्लोप ऑफ ए बी, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी नाउ? ये ए बी का स्लोप क्या होगा? y2 - y1। देखो जो फॉर्मूला जो आपने लर्न किया है ना वही है। अच्छा इसमें से x1 y1, x2 y2 किसी को भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो मैंने इसको माना y2 और इसको माना x1, इसको मैंने माना x1 y1। तो 2 - 0 y2 - y1, x2 - x1 1 - x, और ये क्या हो जाएगा? tan ऑफ 90 + थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये 90 पे चेंज हो जाएगा, ये cot थीटा हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ cot थीटा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ओवर हियर। दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, 2 - 0, दिस विल बी 2 only, दिस विल बी 2 only, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - x, और ये माइनस cot थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, 3/5 - x। बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ। 2 5 10 - 2x, और यहाँ से आ जाएगा -3, एंड दिस इज योर +3x। बताओ यहाँ से कोई दिक्कत? तो यहाँ से 2, ये हो जाएगा 13 और इज इक्वल्स टू 5x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 13/5। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 13/5, 0। तो स्लोप के जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से भी आपको घुमा के वो पूछ सकता है, रिफ्लेक्शंस वगैरह का यूज दिखा के। आई होप आपको धीरे धीरे चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां तक बात क्लियर है सभी को? क्या यहां तक बात क्लियर है, सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। और आपको उस शीट में से पहले मैं देखूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो उतने क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए जाएंगे, और आई विल पोस्ट इट ऑन गूगल क्लासरूम। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। ठीक है। शैल आई एंड द मीटिंग?